झांसी के मऊरानीपुर में नगर के लोगों द्वारा मऊरानीपुर को जिला बनाने को लेकर लगातार मांग की जा रही है। कई बार ज्ञापन भी दिया गया। इसी को लेकर शनिवार को मऊरानीपुर में आयोजित हुए तहसील दिवस में नगर के लोगों द्वारा एकत्र होकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया है कि मऊरानीपुर की जनता को हमेशा जन प्रतिनिधियों के द्वारा वोट के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि मऊरानीपुर को जिला बनाने के लिए हमेशा सिर्फ सपने दिखाए गए। जब चुनाव आते हैं तब नेता लोगों से लुभावने वादे करते हैं और सत्ता में आने के बाद जनता की मांगों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इस बार मऊरानीपुर की जनता ने तय कर लिया है कि उनका समर्थन करेंगे जो मऊरानीपुर को जिला बनाने की पहल करेगा, ताकि मऊरानीपुर में विकास की नींव रखी जा सके। क्योंकि झांसी एक बड़ा जिला है, जिससे यदि मऊरानीपुर अलग होता है तो यहाँ रोजगार के विकल्प बढ़ेंगे, साथ ही क्षेत्र का विकास भी होगा। मैं यहाँ जिला मऊरानीपुर जिला बनाने के संबंध में ज्ञापन देने आया हूँ। मान क्या है, जिला बनाइएगा, जिला के लिए पूरा मानक हमारे यहाँ पूरा मानक है। और मानक की बात करते हैं तो लखनऊ विधानसभा में भी मानक पूरा नहीं हो रहा है इस तरह से। नगर में चित्रकूट में भी मानक पूरा नहीं है, मानकपुर में भी मानक पूरा नहीं है। मानक का बहाना कर करके हम लोगों को ठगा जा रहा है। आज मऊरानीपुर में जिलाधिकारी महोदय का तहसील दिवस था, उसमें सभी क्षेत्रवासी का एक ज्ञापन देने के लिए, चूँकि मांग कई महीनों से निरंतर चल रही है, उसमें हम लोगों ने एक दिन ज्ञापन माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को दिया था। उसमें एक दिन माननीय क्षेत्र के विधायक माननीय बिहारी लाल जी को भी एक ज्ञापन दिया था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री को अपनी बात पहुँचाने के लिए, और मानक की बात जो हर बार कही जाती है, इसमें तो उत्तर प्रदेश के आधे जिले ऐसे हैं कि जो मानक से पूर्ण नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए आप लोगों के माध्यम से पहुंचा रहा हूं कि मऊरानीपुर जिला अति आवश्यक है, क्योंकि है क्षेत्र मऊरानीपुर का इस तहसील का आखिरी कोना और झांसी का मुख्यालय यहां से 60 किलोमीटर की जगह 120 किलोमीटर पड़ता है। और अगर मऊरानीपुर जिला बनता है तो गुरसाए के लोगों को भी 60 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा, उनका भी जो आखिरी कोना होगा वो हाईएस्ट 60 किलोमीटर होगा। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।